तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पंकज, आप लोग देख रहे हो शैडो शूटर। तो चलिए शुरू करते हैं। गुड आफ्टरनून गाइस, आई होप के आप सभी बिल्कुल बढ़िया होंगे। और हाँ, आप सबके लिए लेकर आ गए हैं हम लोग आज एक और नया फ्रेश वीडियो। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि आज क्या है। आज है टीचर्स डे, मतलब कि आज गुरु दिवस है। आज के दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उनके जन्मदिन पर मनाया जाता है ये टीचर्स डे। और हाँ, उस दिन को हम लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मानते हैं, क्योंकि हम सभी स्टूडेंट्स हैं और हम सभी के गुरु, मतलब कि जो हमको पढ़ाए हैं, सब भी आपको जो भी छोटा सा छोटा नॉलेज दिए हैं, सभी हमारे लिए गुरु समान है और सभी हमारे टीचर्स हैं। तो सभी लोग, सभी दोस्तों, अपने टीचर को कभी भी इरेस्पेक्ट मत करना। मतलब सभी लोग यार, अगर आपको कोई भी छोटा या बड़ा एडवाइस देता है ना, तो उसको सम्मान कीजिए, ताकि आगे भी आपको कोई सम्मान दे, ठीक है। और हाँ, आप सभी को पता होगा कि पहले तो टीचर्स डे बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता था, स्कूल कॉलेज सब जाते थे। बट आज देखो यार, इतना खराब साल, क्या ही बताएं, स्कूल कोई नहीं गए होंगे, सभी लोग घर में बैठे होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं हम लोग एक बहुत ही ज्यादा बड़ा कॉन्टेस्ट, क्योंकि यार मुझे लगा कि आज एक कॉन्टेस्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि सभी दोस्तों मेरे घर पर बैठ के बोर हो रहे होंगे और सोच रहे होंगे कितना अच्छा होता अगर हम स्कूल जाते या कॉलेज जाते। बट यार, आपका भाई है ना, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं, वीडियो पूरा देखो, आपको इसमें बहुत ही रोमांच भरा कॉन्टेस्ट देखने को मिल जाएगा। और हाँ, आज की टीचर्स डे वाले जो कॉन्टेस्ट है, इसमें विनर को मिलने वाला है 800 डायमंड। और हाँ, एक विनर नहीं, हम लोग चुनने वाले हैं तीन विनर्स। तो अच्छे से वीडियो को देखना, थोड़ा सा भी स्किप मत करना, क्योंकि वीडियो के बीच में हम लोग बताने वाले हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस। चलो अब वक्त जाया ना करके वीडियो पर चल पड़ते हैं। और हाँ यार, आप लोग इससे प्यारे प्यारे कमेंट देते रहो, क्योंकि ये मुझे हर आगे की वीडियो के लिए ना बहुत ही ज्यादा इंस्पायर करते हैं यार। स्टेप 1, कोई भी हायर क्लैश कॉड रैंक वाले बंदे को इंस्पेक्ट करो। स्टेप 2, उसके क्लैशिक मैचेस पे जाओ। स्टेप 3, अपने प्रोफाइल में बैक आ जाओ और आके अपने क्लैश कॉड रैंक को देखो और देखो मैजिक। ओके, हम लोग अभी एक बंदे को देखते हैं, एक्स रितिक्स का, मे बी इसका। और भाई, ये तो 100 नंबर पर है क्लैश कॉड रैंक के। तो हम लोगों ने इसको इंस्पेक्ट कर लिया, अभी चलते हैं इसके क्लासिक मैचेस पर। ओके, तो हम लोग अभी जा चुके हैं उसके क्लासिक मैचेस पर, अभी चलते हैं अपने प्रोफाइल पर और देखते हैं अपने क्लैश कॉड रैंक को क्या हुआ होगा। टाइम्स अप, क्या आप लोगों ने नोटिस किया, मेरा क्लैश कॉड का जो पॉइंट था वो हीरोइक पे 5वें नंबर पर था। बट यहाँ पर देख सकते हो, मेरा क्लैश कॉड का जो पॉइंट है ये 100 नंबर पर है। भाई साहब, अगर आप लोग ये चीज करोगे तो ऐसा एक छोटा सा ग्लिच हो जाएगा कि आपके दोस्त का क्लैश कॉड रैंक पॉइंट आपके क्लैश कॉड रैंक पॉइंट में दिखाएगा। अब कुछ बंदे ऐसे होंगे जिनको विश्वास नहीं हो रहा होगा, तो जाइए अभी ट्राई कीजिए। एंड हिंस द मिथ इज कन्फर्म्ड। स्टेप 1, वागा पेट को लीजिए। स्टेप 2, कोई भी एक एनिमी को मारिए। स्टेप 3, वागा पेट को, उसके बाद देखिए वो क्लैप कर रहा होगा। ओके, अभी मेरा दोस्त ले चुका है वागा पेट और वो बंदा अभी जाके एक बंदे को मारेगा और फिर देखेंगे उसके वागा पेट क्या सच में क्लैप करता है कि नहीं। हाँ, मुझे भी लगा कि शायद से वॉगर पेट कोई एक छोटा सा इमोट दिखाना चाहता था। आप लोगों ने देखा कि नहीं, मुझे बताओ। एंड हिंस द मिथ इज कन्फर्म्ड। जब आप कोई मैच स्टार्ट करके गेम के अंदर जाते हो, वहां पर लॉबी में अगर आप अच्छे से सुनोगे तो आपको वहां पे ऋतिक रोशन के जिंदगी ना मिलेगी दोबारा वाले फिल्म के सॉन्ग सुनाई देंगे। ओके, अभी करते हैं दूध का दूध और पानी का पानी, क्योंकि यार परीक्षा किए बिना ना हम लोग छोड़ते नहीं। अच्छा, वाह भाई, अरे यार, अगर आप लोग लॉबी पे जाके साउंड वाले जो ऑप्शन है उसको अगर फुल कर दोगे ना, तो ऋतिक रोशन के जिंदगी ना मिलेगी दोबारा वाले फिल्म के सेनोरिटा सॉन्ग के लिरिक्स आपको यहाँ पर सुनने को मिलेंगे। पता नहीं यार, मेरे फोन में यार रिकॉर्ड क्यों नहीं हो पा रहा था। अगर आप लोग सुने होंगे तो नीचे कॉमेंट में मुझे जरूर बताना। और हाँ, ये ना बिल्कुल बॉलीवुड जैसा फील दे रहा है। एंड हिंस द मिथ इज कन्फर्म्ड।
ओके, अभी बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इस कॉन्टेस्ट के बारे में मैं अभी सभी जानकारी आपको अच्छे से देने वाला हूँ, ठीक है। तो पहले रिक्वायरमेंट्स ये है कि वीडियो को आपको लाइक करना पड़ेगा, अगर आप नए हो तो आपको मिनिमम चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना पड़ेगा। उसके साथ आपको एक बहुत ही ज्यादा अच्छा सा कॉमेंट देना पड़ेगा जो कि आपके टीचर के ऊपर डेडिकेट हुआ हो। और हाँ, प्लीज ऐसे कॉमेंट नहीं आने चाहिए कि मैं बहुत ही गरीब हूँ या मैं कभी टॉपअप नहीं किया, ये वाले कॉमेंट को मैं कभी चूज नहीं करूंगा। और हाँ, सिर्फ अच्छे अच्छे कॉमेंट्स लिखिएगा और हाँ, उसके साथ अपने इन गेम नेम और UID को भी पेस्ट कीजिएगा और उसके साथ सबसे अच्छे वाले कॉमेंट को, और हाँ, जिस कॉमेंट में सबसे ज्यादा लाइक्स आए हो ना वही कॉमेंट पिक किए जाएंगे और 3 लकी विनर्स को मिलने वाले हैं 800 डायमंड। और हाँ, इसका टाइम है 6 बजे से 9 बजे के अंदर, यही टाइम के अंदर आपके कमेंट को चूज किए जाएंगे, तो जल्दी कीजिए, टाइम बहुत ही कम है आपके पास। और हाँ, इसके साथ मैं आपको एक छोटा सा टिप भी दे देता हूँ, अगर आप सच्ची में यार सच्चे दिल में चाहते हो ये कॉन्टेस्ट को जीतना तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आपके दोस्त आके आपके कॉमेंट को लाइक करेंगे, आपका कॉमेंट अगर अच्छा होगा तो आप ही चुने जाएंगे विजेता और आपको मिलने वाले हैं 190 रुपीज के रिडीम कोड, जिससे कि आप लोग ले सको आज के लेवल अप पास से 800 डायमंड्स, जो कि भाई बहुत ज्यादा होते हैं। और हाँ, अभी आप देख सकते हो स्क्रीन पर जो चल रहा है, आपको बिल्कुल सेम तरीके से रिडीम करके ये डायमंड को क्लेम कर लेना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, FFC चेयर के पास जाओ, गन पकड़ के बेबी शार्क इमोट को दिखाओ और वहाँ पे बैठ जाओ, बैठने के बाद फिर खड़े हो जाओ और देखो मैजिक। ओके, यहाँ पर लिखा है कि वो वाई इमोट को दिखाओ, फिर वैसे ही बैठ जाओ और उठ जाओ और फिर देखो मैजिक। तो दोनों कमेंट्स बहुत ही ज्यादा आसपास से, तो दोनों कमेंट्स को मैंने एक साथ पिक किया, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या मैजिक होता है। तो पहले मुझे एक गन पकड़ना है, गन पकड़ने के बाद एक इमोट दिखा के चेयर के ऊपर बैठना है, फिर उठ जाना है और देखना है मैजिक। ओके सर, आप जो बोलेंगे हम लोग वही करेंगे और देखेंगे क्या होता है। भाई भाई भाई, क्या दिखा रहे हो यार, देख सकते हो, अगर आप गन पकड़ के कोई सा भी इमोट दिखा के ये चेयर के ऊपर बैठ जाते हो, फिर उठ जाते हो उस चेयर से, उसके बाद आपके हाथ से वो वाला गन गायब हो जाता है। भाई देख लो यार, मैं झूठ नहीं बोल रहा, यहाँ पे मैं वैसे ही बिल्कुल सेम चीज कर रहा हूँ और सभी इमोट्स को यूज कर रहा हूँ। और देखो, जब मैं चेयर से उठता हूँ तो मेरे हाथ से कोई छोटा या बड़ा, जितना बड़ा हो गन हो या जितना छोटा गन हो, सभी गन्स गायब हो जाते हैं। आप लोग भी जाके ट्राई करना, एंड हिंस द मिथ इज कन्फर्म्ड। स्टेप 1, क्राउच हो जाओ। स्टेप 2, पटाक से गन पकड़ो और जंप करो, फिर देखना आपके गर्दन को बिल्कुल अच्छे से। ओके, हम लोग अभी क्राउच करके बैठे हैं, एक गन पकड़ के मैं अपने गर्दन को देखने लगता हूँ और देखते हैं मुझे मेरे गर्दन में क्या चेंज देखने को मिलता है। टाइम्स अप, आप लोगों ने नोटिस किया कि नहीं, अब बताओ मुझे जल्दी जल्दी। मैंने तो यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से नोटिस कर लिया कि हमारे कैरेक्टर का गर्दन जो होता है ना, वो थोड़ा सा राइट की तरफ मुड़ जा रहा है। यही चीज नोटिस किया होगा ना, चलिए सही है, एंड हिंस द मिथ इज कन्फर्म्ड। स्टेप 1, ट्रेनिंग ग्राउंड में जाओ और वहां के सोशल जोन पे जाओ। स्टेप 2, मॉन्स्टर ट्रक ले लो। स्टेप 3, अपने दोस्त को बोलो मॉन्स्टर ट्रक को लेके कोई एक खाली सी जगह पर पार करने के लिए। स्टेप 4, अपने दोस्त को बोलिए कि वो मॉन्स्टर ट्रक के एक टायर के पीछे जाके बिल्कुल अच्छे से सो जाने को। फिर स्टेप 5 में आपको गाड़ी को लेके उस बंदे के ऊपर चढ़ाना है और आपको देखने को मिलेगा एक बहुत ही ज्यादा बड़ा मैजिक। ओके, मेरा दोस्त अभी गाड़ी के टायर के पीछे सोया है, अब गाड़ी को लेके उसके ऊपर चढ़ा देते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या होता है चेंज। ये कैसे हो गया यार, भाई मुझे तो मेरे आंखों पर थोड़ा सा भी विश्वास नहीं हो रहा। अभी मुझे जाकर टेस्ट करना पड़ेगा और मैं देखूंगा कि यहां पर कौन सा मैजिक देखने को मिलता है। अरे यार, क्या तुम लोग भी वही नोटिस कर रहे हो जो मैं नोटिस कर रहा हूँ? ये मॉन्स्टर ट्रक है या एक छोटा सा साइकिल जो कि मेरे ऊपर आके गाड़ी ही पलट जा रहा है? भाई साहब, ऐसे कैसे हो सकता है? आप लोग भी जाइए और ट्राई कीजिएगा। आप अगर नीचे सोए हुए हो और अगर कोई आपके ऊपर आके गाड़ी चढ़ाता है ना, तो गाड़ी पलट जा रहा है, आपको कुछ नहीं हो रहा है।
वैसे यार आई होप कि आज का वीडियो भी आप सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। और हाँ, मैंने आज जो कंपटीशन रखा है ना, उसको आपको जीतना इतना भी आसान नहीं है। अच्छे से अपने दिल से पूछ के वो वर्ड्स लिखना जो आपका दिल कहता है अपने टीचर के लिए। और हाँ, सबसे अच्छे वर्ड मतलब सबसे अच्छे अच्छे वर्ड देके जो सेंटेंस लिखा होगा, जिसके वर्ड दिल से आए होंगे, वही बंदा करेगा विन, ये मुझे पूरा विश्वास है। तो देखते हैं आज हमारे कौन तीन भाई या कौन तीन बहन जीतने वाले हैं ये कॉन्टेस्ट को। और फिलहाल हमको आज आज्ञा दीजिए, बहुत ही ज्यादा लेट हो गए हम लोग, बहुत ही ज्यादा थक चुके हैं। तो मिलते हैं एक और नए फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।